चुनाव में कैसी कैसी बातें सामने आ रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय वायुसेना को मोदी का एयरफोर्स बता दिया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को मोदी की एयरफोर्स बताते हुए उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पुलवामा हमले का बाद पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वायुसेना को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए भेजा था। कुल मिलाकर पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए। ऐसे हमले के बाद पहले की सरकारें शांत बैठ जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी वायुसेना को घटना के 13वें दिन ही आदेश दिया और वायुसेना के जवान बालाकोट में घुसकर आतंकियों के पथ पर कच्चे उड़ाकर वापस आ गए। कुल मिलाकर इसके पहले योगी आदित्यनाथ भी सेनाओं को मोदी की सेना कह चुके हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।